क्या गाइस आप लोगों का कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है जो कि नेटवर्क कनेक्शन एरर बता रहा है। पहले मैं पिछले एक वीडियो बनाया था उसके अंदर मैं आप लोगों को बताया था किस तरीके से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोग कर सकते हो। काफी लोगों का जो कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन गाइस काफी लोगों का इस तरीके से भी प्रॉब्लम आ रहा है। देख सकते हो मैं कुछ मतलब जब भी गेम को ओपन कर रहा है तो डाउनलोड फील्ड जो कि रिट्राई कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है। एंड जो कि आप लोग को डाउनलोड फील्ड रिट्राई का भी प्रॉब्लम मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा सॉल्व करने के लिए बताऊंगा। एंड आप लोग जो और एक जो प्रॉब्लम आ रहा है किस तरीके से आ रहा है ये भी आप लोगों को मैं पता है गाइस। आप लोग जब भी गेम को ओपन कर रहे हो लेकिन गाइस आप लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हो तब भी आप लोग जो प्रॉब्लम आ रहा है जो कि कुछ इस तरीके से आ रहा है नेटवर्क कनेक्शन एरर, तो दोनों का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दोनों का सॉल्यूशन बताऊंगा। तो इसीलिए गाइस इस वीडियो को आप लोगों को वीडियो को एक लाइक करना होगा एंड चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेट करना होगा। एंड काफी लोग पूछता रहता है जो कि फीस भाई तुम्हारा इंस्टाग्राम आईडी कौन सा है, तो आप लोगों के सामने देख रहा होगा ये है मेरा इंस्टाग्राम का आईडी। अगर गाइस आप लोग चाहते हो तो मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ब्रदर, व्हाट इज अप एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। तो सबसे पहले जो जो मैं आप लोगों को टिप्स बताऊंगा वही आप लोगों को फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले फ्लाइट मोड को आप लोगों को ऑन करना होगा। देन गाइस आप लोगों को फ्लाइट मोड को ऑन करने के बाद देख सकते हो फ्लाइट मोड हो चुका है, नेटवर्क मतलब उड़ चुका है। देन इधर से मैं फ्लाइट मोड को ऑफ कर लेता हूँ अभी, ठीक है। तो फ्लाइट मोड को ऑफ करने के बाद देख सकते हो मेरा अभी नेटवर्क को आ चुका है। देन गाइस पहले आप लोगों को इसको ट्रिक को फॉलो करना होगा, देन एक एक करके आप लोगों को फॉलो करना होगा। एंड सबसे पहले इसको करना पड़ेगा एंड उसके बाद गाइस आप लोगों को फ्री फायर को देख सकते हो मेरा शो हो रहा है इधर जो कि होम स्क्रीन पे शो होता है, तो इसके ऊपर आप लोगों को लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा। तो इधर से लॉन्ग प्रेस करने के बाद इधर से देख सकते हो आई की तरह ऑप्शन आ रहा है मेरा अभी आप लोग देख सकते हो। एंड आप लोगों को ऐप इन्फो का भी ऑप्शन आ सकता है, ठीक है। एंड उसके बाद मेरा आई के ऑप्शन आ रहा है, तो इस आई के ऑप्शन में मुझे क्लिक करना पड़ेगा। तो क्लिक करने के बाद जो कि फ्री फायर के अंदर लेके आ जाएगा देख सकते हो, जो कि फ्री फायर का कुछ इस तरीके से इंटरफेस रहेगा। देन इधर से आप लोगों को सबसे पहले ढूंढना होगा जो कि स्टोरेज का ऑप्शन को, तो देख सकते हो मेरा नीचे में वो स्टोरेज का ऑप्शन हो रहा है, तो इस ऑप्शन के अंदर मुझे अभी जाना पड़ेगा। तो जाने के बाद इधर से देख सकते हो क्लियर कैचे ऑप्शन आ रहा है, तो क्लियर कैचे का ऑप्शन में क्लिक करके इसको आप लोगों को सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्लियर कैचे करना होगा जो कि फ्री फायर को। एंड क्लियर डेटा बिल्कुल गलती से मत करना, एंड क्लियर कैचे कर लेना। एंड उसके बाद आप लोगों को एक चीज ढूंढना होगा जो कि मोबाइल डेटा का ऑप्शन, तो मोबाइल डेटा का ऑप्शन मिल जाने के बाद आप लोगों को मोबाइल डेटा का ऑप्शन में आप लोगों को आना होगा। देन अलाउ बैकग्राउंड डेटा यूजर्स को आप लोगों को ऑन करके रखना पड़ेगा। तो इधर से देख सकते हो मेरा अभी ऑन है, तो इसको गाइस आप लोगों को कम्प्लीटली ऑन करके रखना पड़ेगा। तो ही मेन बात होता है जो कि गाइस इसको ऑन करके रखना, ठीक है। एंड आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा, जो कि मैं जो जो बताऊंगा उसको आप लोगों को पूरा फॉलो करना होगा। देन गाइस उसके बाद आप लोगों को सिंपल सा मोबाइल के होम स्क्रीन का आना होगा। देन इधर से प्ले स्टोर को ओपन करना होगा, तो प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आप लोगों को जो मेरा लोगो शो हो रहा है देख सकते हो, इस लोगो जो मेरा शो हो रहा है आप लोगों को एरो भी करके दिखा दे रहा हूं देख सकते हो, इस लोगो का ऑप्शन में आप लोगों का भी लोगो शो होगा तो क्लिक करना पड़ेगा। तो इधर मेरा जीमेल शो हो रहा है तो इसको हटा देता हूं। एंड इधर से देख सकते हो जो कि मेरा अभी इधर नीचे में देख सकते हो सेटिंग्स हो रहा है, जो कि इधर जो कि गूगल प्ले स्टोर का जो सेटिंग है इसको शो हो रहा है, तो सेटिंग के ऊपर मैं आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा। तो उसके बाद नेटवर्क परफॉर्मेंस के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे देख सकते हो तो इस ऑप्शन के अंदर आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा, तो आप लोगों को एरो भी करके दिखा रहा हूं। तो इस ऑप्शन के ऊपर आप लोगों को क्लिक करने के बाद तीन ऑप्शन शो हो जाएगा। तो इधर जो ऑप्शन शो हो रहा है देख सकते हो ऑटो अपडेट एप्स करके ऑप्शन शो हो रहा है, तो आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद तीनों ऑप्शन शो होगा जो कि ओवर एनी नेटवर्क एंड ओनली वाईफाई, उसके बाद डू नॉट ऑटो अपडेट एप्स, तो तीनों ऑप्शन शो होगा। तो आप लोगों को तीनों ऑप्शन के अंदर लास्ट वाला चूज करना होगा जो कि डू नॉट ऑटो अपडेट एप्स। तो इसको गाइस आप लोगों को चूज करने के बाद इसको सिंपल से डन कर देना। देन उसके बाद और एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो कि गाइस अगर आप लोगों को जो कि फोन के अंदर जो कि एक सिम अवेलेबल है मतलब जियो का सिम, मान लो कोई मतलब दूसरे नेटवर्क से आप लोग एक बार कनेक्ट करके देखना जो कि वाईफाई वगैरह जो भी लेके एयरटेल से सिम से जो भी सिम है अदर सिम से लेके देखना जो कि प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं, ठीक है। एंड ये तो गाइस आप लोगों को करने के बाद जो कि ये मेन चीज आप लोगों को जो फॉलो करना होगा जो कि आप लोगों को फोन का पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा। तो फोन का पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखने के बाद आप लोग को जो कि तीन ऑप्शन नजर आ जाएगा, स्विच ऑफ रिस्टार्ट एंड इमरजेंसी मोड। एंड काफी लोगों का जो कि इमरजेंसी मोड के वजह मतलब अलग ऑप्शन आता है इस जगह पे जो कि फ्लाइट मोड का भी ऑप्शन आता है, तो आप लोग को इधर में से जो कि मेन जो चीज आएगा जो कि रिस्टार्ट करके मिडिल वाला ऑप्शन, ठीक है। तो आप लोग को मिडिल वाला ऑप्शन जो कि रिस्टार्ट मेरा अभी इधर आ रहा है, तो इसको गाइस सिंपल से आप लोग को भी ऐसे रिस्टार्ट जो कि ऑप्शन आ जाएगा, तो इसके ऊपर सिंपल से आप लोग को प्रेस करना पड़ेगा। तो इसके
ऊपर प्रेस करने बाद आप लोग का जो फोन है वो स्विच ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली, देन ऑटोमेटिकली स्विच ऑन हो जाएगा फोन का, ठीक है। एंड उसके बाद जो आप लोग को प्रॉब्लम है जो 100% आप लोग को सॉल्व हो जाएगा। तो अगर कैसे आप लोग को प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो आप लोग कॉमेंट करके बताना प्लीज भाई मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगेगा हाँ मेरा वीडियो में से जो कि हेल्प हुआ है। तो एंड गाइस आज का वीडियो आप लोग अच्छा था तो वीडियो को लाइक कर देना एंड दोस्तों के साथ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना। सो गाइस मिलते हैं कुछ न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक गाइस टेक केयर, बाय बाय।